माय लवली बायोटोनियंस, एक बहुत अच्छा सेशन है स्पेशली मेरे बाय बाय बोलने वाले बायोटोनियंस के लिए। आप सोचो कि बाय बाय बोलने वाले बायोटोनियंस मतलब वो बायोटोनियंस जो अभी बायोटोनिक छोड़ के जाने वाले हैं बिकॉज उनको एमबीबीएस में सीट मिल चुकी है। सो काउंसलिंग चल रही है, बहुत मेरे स्टूडेंट्स को सीट मिल चुकी है। व्हाट शुड यू डू, ऐसा क्या करें हम, क्या खरीदे क्या ना खरीदे, और सबसे बड़ी चीज कौन सी चीज बिल्कुल ना खरीदे। तो मंडे को भी मैं एक सेशन ऐसा आप लोगों के लिए लूंगी जहां पर आई टॉक अबाउट रैगिंग सीनियर्स, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, पढ़ाई शढ़ाई, राइट। तो कौन सी चीजें हमें लेके जानी है, सबसे पहले तो यार दो तीन वो जो कॉलेज के आप बाहर ही ना शॉप होगी, इसका एक हैक देती हूँ। तो कई बार उन शॉप्स में थोड़े सिंथेटिक टाइप के व्हाइट कोट्स मिलते हैं, कंफर्टेबल ही होते हैं क्योंकि स्मॉल मीडियम लार्ज के साइजेस में ही होते हैं। तो आप एक अच्छा कॉटन का बढ़िया व्हाइट कपड़ा खरीद कर अपने साइज का बढ़िया व्हाइट कोट सिलवा सकते हो। ओनली थिंग इज कई बार जो पॉकेट होती है ना उस पर कॉलेज का स्टैम्प होता है तो वो ऑब्वियसली नहीं आएगा, कई कॉलेजेस के लोगो होते हैं तो इसलिए वो मत लीजिएगा। बट अगर हाँ मतलब आपको लैब वगैरह के लिए लेना तो आप अपना एक अच्छा बढ़िया इन्वेस्ट करके, ये तो आपका मतलब एक इन्वेस्टमेंट है यार, एक गुड क्वालिटी और हमेशा गुड क्लॉथ। बिकॉज यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ट्रेंड बोले यार ऐसे बदबू बड़ी आती है, बिकॉज सारा दिन सुबह 7:30-8 बजे से आप चले जाओगे अपने कॉलेज में, रात के शाम के 4-5 बज जाते हैं। तो डोंट बाय अ सिंथेटिक व्हाइट कोट, बाय अ गुड कॉटन, गुड क्वालिटी, और कम से कम आपके पास दो सेट होने चाहिए, एक धोने गया तो यू कैन यू नो, बिकॉज बहुत ज्यादा आपको एनाटॉमी लैब में जाना है, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करने, सो बहुत यूज होगा ये, एंड ऑब्वियसली कॉलेज में हर जगह बहुत यूज होने वाला है। सो प्लीज इन्वेस्ट इनटू अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी व्हाइट कोट, यही तो आपकी लाइफ है अभी अगले कुछ यू नो सालों के लिए, क्या लाइफ के लिए इनफैक्ट। डिसेक्शन किट, आपको एनाटॉमी में डिसेक्शन करना है, अच्छी किट के बिना नहीं होगा। सो कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बताते हैं सेकंड हैंड ले लेते हैं, मत लीजिएगा, हमें लगता है मैं बताऊंगी सेकंड हैंड क्या लेना, स्टे ट्यून्ड, आई विल कम टू दैट आल्सो। यार ये वाली चीज तो सेकंड हैंड ले लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या शेयर कर लो दो लोगों के साथ, या फिर किसी सीनियर को बोलो एक साल के लिए हमें दे दे। बट डिसेक्शन किट तो अपनी खुद की ले लीजिए बिकॉज, और एक अच्छी बढ़िया कॉलेज की स्टेशनरी शॉप से लीजिए बिकॉज ये एक ऐसी चीज है यार आपको बहुत काम आएगी, आपको प्रैक्टिकल्स में काम आएगी। ऐसा हो सकता है कि यार अगर मतलब इसकी प्रोज एंड कॉन्स बताते हो ना, तो कई बार क्या होता है आप बोलते हो यार तुम और मैं मिलके ले लेंगे, पर जब बैचेस डिवाइड होते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि यार दो बैचेस का एक साथ एनाटॉमी प्रैक्टिकल आ गया, तो फिर आपको लास्ट मोमेंट यू नो भाग दौड़ या तो अपनी किसी फ्रेंड से मांगोगे, नहीं होगा फिर पहुंचा होगा। तो इससे अच्छा कि यार ये वाली चीज तो आप एक बढ़िया डिसेक्शन किट, स्कैल्पल वगैरह आपके पास अपने होने चाहिए। अगर आपका दिल्ली वगैरह चक्कर लग रहा है तो एक डिसेक्शन की किट पूरी और डाइसेक्टर, राइट, आपका पूरा डाइसेक्टर और इसके साथ की ये ग्लव्स और स्कैल्पल आप बल्क में भी ले लो, राइट। दिल्ली में एम्स के बाहर, मैमसी के बाहर शॉप्स हैं, ये बल्क में मिलते हैं। तो मान लो आपका दिल्ली चक्कर लग रहा है, या यू नो केजीएमयू लखनऊ के बाहर चक्कर लग रहा है आपका, तो ऐसे ऐसे मैमसी के बाहर चक्कर लग रहा है, इनके बाहर इनको ये बल्क में भी मिलता है। सो इट इज लाइक एक्सलेंट, इट इज सुपर एक्सलेंट। आप वहां जाकर ग्लव्स के तो दो डब्बे खरीद लो, कई बार ऑब्वियसली वहां लगाए होते हैं, बट यू नो इट इज ऑलवेज बेटर कि यार अगर नहीं है आपके बैग में, आप दो तीन पेयर्स ऑफ ग्लव्स जो है अपने खुद के लेकर चाहिए, राइट। स्कैल्पर्स आपको चाहिए होंगे, मास्क आपको चाहिए होंगे, शुरू में एनाटॉमी लैब में ओवरवेलमिंग कई बार स्मेल होती है, तो मास्क, स्कैल्पर, डिसेक्शन किट आपकी, ये किसी बड़ी सिटी में जाकर आप थोड़े मास बाइंग कर सकते हो, आपके लिए थोड़ा सा यू नो और कुछ नहीं तो इकोनॉमिकल हो जाता है, इट बिकम्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल फॉर यू, राइट। अब ये HND पेंसिल, यस, यो ये हेमेटोक्सिलिन एंड योसिन, तो आप जब भी टिश्यू को देखते हो ये तो पक्का बल्क बाइंग कर लो, और उससे भी ज्यादा बता रही हूं इसको शार्पन करना सीख लो, राइट। ये तो मतलब ऐसा सीक्रेट हैक है। तो यार जब भी आपको फिजियोलॉजी के डायग्राम्स बनाने हैं आपको HND पेंसिल चाहिए होती है, जो हेमेटोक्सिलिन एंड योसिन पेंसिल, पर्पल और पिंक कलर की पेंसिल होती है। तो जितने भी डायग्राम्स आप, क्योंकि ये डाइज है, तो जितनी भी आप चीजें देख रहे हो माइक्रोस्कोप के नीचे, जब आप उसका डायग्राम बनाओगे तो आपको HND पेंसिल चाहिए होगी उसका डायग्राम फाइल करने के लिए। तो यार ये तो आपके पास दो दो तीन तीन सेट होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो वो ब्लंट हो जाती है, फिर जो आपको आउटलाइन बनानी है तो आपको शार्प इंस्ट्रूमेंट से शार्प बनानी है वो, तो आपके पास ये तो मतलब तीन एच पेंसिल और तीन हेमेटोक्सिलिन योसिन डाई वाली पेंसिल आपके पास रेडी होनी चाहिए। फिजियोलॉजी एनाटॉमी में ये बड़े काम की चीज है। एनाटॉमी से मुझे याद आया यार, आपको जैसे नेटर्स, एटलस एनाटॉमी की एक अच्छी चाहिए होगी। तो अगर फिर से आपका दिल्ली चक्कर लग रहा है
तो आप नेटर्स वाली जो एटलस है वो दिल्ली में तो बहुत अमेजिंग सेकंड हैंड बुक्स की स्टॉल है, आपको ऐसी ब्रांड न्यू बुक मिल जाएगी और रेट इसके काफी कम होंगे। इनफैक्ट चंडीगढ़ सेक्टर 16 में भी बहुत अमेजिंग सेकंड हैंड बुक्स की स्टॉल है, तो जो GMCH 32 वाले बच्चे हैं वो 16 जाकर सेकंड हैंड बुक्स आप ले सकते हो। स्पेशली आपकी जो एटलस है और बीडी चौरसिया की भी जो एटलस है एनाटॉमी वाली, वो आप सेकंड हैंड ले सकते हो। राइट एवरीबडी, लैंसेट्स आपके बहुत काम की चीज है, आपको लैंसेट्स फिजियोलॉजी में भी चाहिए होंगे, राइट अपने खुद का ब्लड ड्रॉ करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो लैंसेट वगैरह भी बल्क बाइंग कर लो। वैसे तो काफी बार यार एक लैंसेट दे दे, एक लैंसेट दे दे, एक लैंसेट दे दे वाली आवाजें आपको यू नो लैब्स में मिलती रहेंगी, बट आपको ग्लूकोमीटर, लैंसेट्स नॉर्मल हेमेटोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने खुद के ब्लड को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में लैंसेट्स चाहिए होंगे। एग्जाम में भी आपको अपने खुद के लैंसेट्स लेकर जाना होगा, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, आप ना प्लीज अभी से इन चीजों की तो बल्क बाइंग कर लीजिए। बढ़िया स्टेथोस्कोप, यस आप फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में लीजिएगा, राइट एवरीबडी। तो अभी क्या होता है यार, मैं ये बहुत सीरियस, चोरियां बहुत होती है, आप मानोगे नहीं, आप 5000 का एक स्टेथोस्कोप आपने ले लिया, 6000 का स्टेथोस्कोप ले लिया, बड़े जोश में आए, आपके हॉस्टल से चोरी हो जाएगा। And I'm not joking. तो first year में तो यार आप एक affordable, cheap, normal stethoscope लीजिए। Third year, final year onwards, when you आपके clinicals वगैरह start होंगे, that is the time you go and you get a nice stethoscope। आप senior पे हो जाओगे, शायद अकेला कमरा भी मिल जाएगा, या आपको पता होगा यार मेरे roommates कैसे हैं। फर्स्ट ईयर में तो आपका सामान बहुत ज्यादा चोरी होगा, कभी जूते चोरी हो जाते, कपड़े चोरी हो जाते बच्चों के, राइट कई बार ताला नहीं होता, या कई यू नो तीन रूममेट्स हैं तो एक ताला है, तीन चाबियां हैं, तो कई बार ताला तोड़ना पड़ जाता है, कई बार किसी की चाबी कहीं गुम हो गई, चोरी हो गई, तो आपके रूम में चोरी हो जाते, जूते चोरी हो जाते, चप्पल, सॉक्स, राइट मतलब बहुत, बॉयज हॉस्टल में भी, गर्ल्स हॉस्टल में भी, मोबाइल फोन, चार्जर, तो स्टेथोस्कोप तो आप अपना थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स बढ़िया वाला लीजिएगा, अभी आप एक एवरेज स्टेथोस्कोप लेकर कॉलेज चले जाइए। रही बात बोन सेट की, ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, राइट यार कि ये ले ना ले, उससे नॉट यार, ये आप अपने सीनियर से ले सकते हो, राइट आपके डिपार्टमेंट में बोन्स होती, कई बार क्या होता है कॉलेजेस इशू कर देते हैं, तो आपको जल्दी एनाटॉमी लैब में जाना पड़ेगा, आप इशू करवा लो, राइट और या तो आप अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में यू नो आसपास वाले रोल नंबर्स के साथ मत बनाना, बिकॉज आसपास वाले रोल नंबर्स के एग्जाम्स एक साथ पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यार उसको भी एग्जाम से चार, मतलब उनका प्रैक्टिकल एग्जाम एक साथ पड़ेगा ना, 1 to 25 का आज है, अगर एक ग्रुप का आज फिजियोलॉजी तो एक ग्रुप का आज एनाटॉमी होगा, उस ग्रुप का जब फिजियोलॉजी होगा तो इस ग्रुप का एनाटॉमी होगा, तो थोड़े दूर दूर कोई 1 रोल नंबर, कोई 30 रोल नंबर, कोई 50 रोल नंबर, कोई 80 रोल नंबर, ताकि सब अलग अलग बैचेस में मिलके आप अपने बोन सेट ले सकते हो, ताकि कभी ये ना हो या मेरा प्रैक्टिकल तेरा प्रैक्टिकल, अब बोन सेट कैसे बांटेंगे, ये लेकर या सीनियर से ले लीजिए, अगर आपके कोई जान पहचान के आपके घर के आसपास का कोई सीनियर आपका फ्रेंड है तो ये वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में चले गए, वो आपको अपना बोन सेट दे सकते हैं, या 4-5 लोग मिलकर ग्रुप बनाकर आप अपने बोन सेट को डिवाइड भी कर सकते हो। ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और इसकी एक्चुअली में आप मिलकर भी बोन सेट का काम कर सकते हो, जैसे मैंने बोला एटलस वगैरह हो गए, ये आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, राइट एवरीबडी। तो ये आप सेकंड हैंड भी ले लीजिए, बीडी चौरसिया वाली एटलस भी, नेटर्स एटलस भी, राइट बुक्स कोई मत लीजिएगा कि यार, और किसी का मतलब कोई आपका साथ वाले घर में भी कोई रहता है वो भी एमबीबीएस कर रहे हो, अगर मेरी सेकंड हैंड बुक ले ले, बुक्स जर्नल्स कोई मत लीजिएगा, क्योंकि ये अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, राइट उनका लोगो होता है, एनाटॉमी जर्नल वगैरह में उनका लोगो होगा, कॉलेज का लोगो होगा, साइन वाली जगह में टीचर का लोगो वगैरह होता है, तो कोई बुक्स और जर्नल्स आपको बिल्कुल भी शुरू में लेने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसी चीज है प्लीज आप कॉलेज जाकर ही करिएगा, इट इज जस्ट नॉट नीड। एक चीज जरूर है कि तुम सबको यूट्यूबर बनना है अभी यस, और फोटोज खूब खींचनी, एंजॉय करना। देखो आईपैड बहुत अमेजिंग चीज है, मेरे पास आईपैड है जो मैं पिछले 5 सालों से यूज कर रही हूँ और चेंज नहीं किया है, तो आज से 5 साल पहले लगभग 2018 में मैंने 1,15,000 टाइप का आईपैड लिया था, बड़े वाला आईपैड मैक्स प्रो व्हाटएवर वाला, वो अभी तक 5 साल हो गए, कोई और टैबलेट लिया होता तो वो खराब हो, वो अभी तक स्टेट ऑफ द आर्ट है, बढ़िया चलता है, उसका पेन वेन सब कुछ एकदम बढ़िया, शायद अगले साल मैं नया लूं, बट उससे मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। यस आईफोन तो यार मैं लेटेस्ट लेती हूँ, बिकॉज दैट्स दी ओनली टेक्नोलॉजी थिंग मेरा बहुत काम है, मेरे वीडियोस बनते हैं, मेरी रील्स बनती है, मेरा काम होता है, मेरी इतनी मेल्स चेक होती है, मेरी ड्राइव में अपलोड उससे होता है, दुनिया भर का काम मेरे
तो एक फोन और टैबलेट आपको, या टैबलेट या लैपटॉप में आप देख लीजिए, देखिए लैपटॉप के अपने प्रोज एंड कॉन्स है यार। लैपटॉप पे आप टाइपिंग वगैरह पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आईपैड पे भी वो नीचे अटैच हो जाता है, आईपैड ज्यादा पोर्टेबल है। अब आईपैड की प्रॉब्लम होगी आपको ज्यादा सिंक आईपैड वाली चीजों से होगा, अगर आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है थर्ड फाइनल ईयर में आपको देनी पड़ सकती है, तो विंडोज वगैरह वो ज्यादा आपके लैपटॉप पे चलेगा। तो देखिए दोनों चीजें अफोर्ड कर सकते हो तो बढ़िया है, बट एक बढ़िया फोन इज अ बिग एसेट। आपके नोट्स, यू नो, रिकॉर्डिंग्स, कुछ देखना है, कुछ फोटो खींचनी है, सो ये बहुत है, ये मतलब ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो एक लेटेस्ट वाला और स्टूडेंट ऑफर्स वगैरह देख लीजिए, ये मत करिएगा बस दिल लगी, राइट? तो स्टूडेंट ऑफर्स वगैरह देख लीजिएगा, एप्पल वगैरह में तो काफी स्टूडेंट ऑफर्स वगैरह भी चलते हैं, आपके कॉलेज की आईडी वगैरह के बाद आपको स्टूडेंट ऑफर्स मिल जाते हैं। तो ये देखकर एक बढ़िया फोन और आईपैड तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, इट इज रियली नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। यस, तो ये रही वो चीजें जो आपको चाहिए होंगी आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए, कॉलेज एसेंशियल्स मैंने बता दिए, बिल्कुल नहीं लेना है बोन्स। बुक्स आपकी यूजुअली कॉलेज के पास से ही, आप सेकेंड हैंड बुक्स भी ले सकते हो, लाइब्रेरी से पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी की बुक्स आप इशू करवा कर पढ़ सकते हो, राइट? और मैंने आपको हैक दिया कि यार अगर आपको कॉलेज की बोन्स चाहिए तो फटाफट फर्स्ट डे एनाटॉमी लैब जाके इशू करवा लो, उनके पास कुछ सेट्स होते हैं जो शुरू शुरू में बच्चे चले जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो ले लेते हैं, राइट? सो विद दैट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल झंडे गाड़े एंड ऑल द वंस जिन्होंने नहीं किया, ये सब आपकी रियलिटी हो सकती है अगले साल। सो लगे रहिए, टुगेदर वी कैन एंड वी विल। Lots of love. Don't forget to hit the like, share, subscribe button right now. Lots of love. God bless you. Take care.